बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उत्तराम मुरली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। हमने तो सोचा था कि तू क्रिकेट का बादशाह है और हमने सोचा था कि हर चीज का ऑलराउंडर है तो इंसानियत में भी ऑलराउंडर ही होगा। इंसान को समझने की भी फर्क होगी जिस तरीके से गेंद को परखता था। हमने ये भी सोचा कि जिस तरीके से विकेट चटकाता था उसी तरीके से जातिवाद की जड़ों को भी तू खोद निकालेगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि सामंत साई का और जातिवाद का केड़ा अभी भी आपके दिमाग में। आपने साबित कर दिया कि टीम इंडिया क्रिकेट की में भी जातिवाद का जो जहर है वो दूसरे लोगों को मजाक के तौर पर लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर युवराज सिंह की। युवराज सिंह ने एक ऐसा टिप्पणी की है जिससे ना किसी एक जाति, धर्म और मजहब के लोगों के साथ खिलवाड़ ही मनाया जाएगा। आपको बता दें कि एक समुदाय के खिलाफ, एक जाति के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी की है जो केवल युवराज सिंह के लिए एक केवल मजाक हो सकता है, लेकिन उस जाति के लिए वो सम्मान की लड़ाई है। युवराज सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पूरा मामला पहले आपको समझाता हूँ। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर युवराज सिंह रोहित शर्मा के साथ वीडियो कॉलिंग के ऊपर ये तमाम बातें कहते हैं। उन्होंने वीडियो कॉलिंग के दौरान युवराज सिंह ने रोहित शर्मा से बातचीत करी और उन्होंने युजवेंद्र चहल है उस पर कमेंट करते हुए वाल्मीकि समाज के ऊपर एक टिप्पणी की और इस जातिवादी टिप्पणी के कारण जो युवराज सिंह है उस ट्रोल हो गए। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ काफी ज्यादा कैंपेन भी चलाया जा रहा है। बहुजन समाज ये मांग कर रहा है कि युवराज सिंह माफी मांगे। इस मामले में युवराज ने क्या कुछ कहा था वो आप अपने मुंह से सुनिए और उनके खुद के मुंह से सुनिए। लेकिन आपको बता दें कि युवराज सिंह के लिए सिर्फ मजाक हो सकता है, लेकिन एक जो समुदाय है उसके लिए ये सम्मान और संविधान के। कुलदीप भी आ गया ऑनलाइन। कुलदीप ऑनलाइन है ये सब ऐसे ही बैठे हुए। ये बंगी लोग को काम नहीं है इसको। यूजी ने देखा क्या वीडियो डाला अपनी फैमिली के साथ? मैंने उसको वही बोला, यार अपने बाप को नचा रहा है, तू पागल तो नहीं है साले।